हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके गारू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड पोर्ट्रेट स्केच के। तो पोर्ट्रेट स्केच में जो सबसे मेन चीज़ है, आज हम उसी को ड्रॉ करेंगे, उसी को शेड करेंगे। तो ये हम बनाएंगे आँखें, ठीक है, आईज के बारे में है कि आईज कैसे बनाई जाती है, कैसे ड्रॉ की जाती है, कैसे उनको शेड करना है। तो ये पहली मेरी वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ग्रिड में हम लोग कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। तो जो मेरी पहली वीडियो, उसमें जो मैंने ड्राइंग की थी, ये हम अब उसी को शेड करेंगे, आगे उसकी आंखों को शेड करेंगे। तो अगर आपने देखना है कि हमने ये ड्रॉ कैसे किया है, तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास लाइट पेंसिल है, जैसे कि 2B से हम पहले हम इसको शेड करेंगे हल्का हल्का सा। तो ये हम पहला सिंगल जो शेड है इसको देंगे पूरा, ठीक है, जो हमारा लाइट पार्ट है वो बनाएंगे हम। तो मैं अभी जो स्टेडलर की पेंसिल है उसे यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। कंपलसरी नहीं है कि स्टेडलर ही यूज़ करना है, या ठीक है कैमलिन यूज़ करनी है, जो आपके पास है। इसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया है, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ब्रश के साथ किया है, क्योंकि ब्रश के साथ जो डिटेल है वो ज़्यादा आती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसी के साथ किया है। तो अभी हम मैकेनिकल पेंसिल से इसकी डिटेल शुरू करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अभी मेरे पास 2B की ये मैकेनिकल पेंसिल है 0.7 की, तो उसी से मैं कर रहा हूँ, जो डिटेल दे रहा हूँ। मैंने ब्लैक किया है ऊपर वाले को। तो ये लाइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर लाइन थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो हमारा जो आँख है उसकी डिटेल ख़त्म हो जाएगी। अभी मैंने लाइट छोड़ी है उसमें, आँख में बीच में, और उसका लेंस बनाना शुरू किया है। तो पहले हम इसको लाइट लाइट बनाएंगे, बाद में इसको डार्क करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। मैं जो साइड पर है इसको बनाते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैंने कॉटन बड के साथ इसको ब्लेंड किया है, क्योंकि अगर हम ब्रश के साथ करेंगे तो वो आसपास की जो लाइनें हैं उनको भी कर देगा। तो धीरे धीरे से हम इसकी पूरी डिटेल देंगे। तो अभी जो हमारा बाकी का पार्ट है, ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ डार्कनेस है, कहाँ कितना डार्क है, उसको करना है, अभी शेडिंग करनी है, ठीक है। ये मैकेनिकल पेंसिल के साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2B की है तो ये थोड़ी और डार्क हो जाएगी, तो उसी के साथ मैं फिर से कर रहा हूँ इसको। तो अभी मैं जो आईब्रो है उसके हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हेयर करते हुए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हेयर किस साइड को जा रहे हैं, ठीक है, तो उसी साइड को हमने अपना जो पेंसिल है उसको चलाना है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे हम डार्क करने के लिए एकदम से जिगजैग सा चला देते हैं, तो वो बाद में बहुत बुरा लग रहा है। तो अभी मैंने ये कॉटन बड से ही ब्लेंड किया है, क्योंकि अब ये डिटेल बहुत बारीक बारीक डिटेल है, तो इसको कॉटन बड से ही करना पड़ेगा। तो ये मैं फाइनल कर रहा हूँ अभी इसको धीरे धीरे। तो डार्क करने के लिए आपको 2 या 3 बार ऊपर से पेंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से वो डार्क नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहले लाइट, फिर उससे ज़्यादा डार्क, उससे ज़्यादा डार्क, जितना आपको चाहिए उतना आप डार्क कर सकते हैं शेड को। एकदम से करोगे तो वो थोड़ा सा आउट लगेगा, वो एकदम से डार्क करने में उसके डॉट जो है वाइट वाइट वो नज़र आएंगे। तो अभी मैं और डिटेल दे रहा हूँ उसको, और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ जहाँ जहाँ से ये डार्क है। तो आपको पूरी जो ऑब्जर्वेशन है बड़े ध्यान से करनी है। तो अभी मेरे पास ये पेन अरेजर है, ठीक है, उसी से मैं इसकी जो लाइट पॉइंट है उनको बना रहा हूँ डिटेलिंग देने के लिए। तो आप धीरे धीरे ध्यान से करिए इसको, क्योंकि जल्दबाजी का ये काम नहीं, जो स्केच है पोर्ट्रेट स्केच है ये धीरे धीरे होगा, ठीक है, ये जल्दबाजी से नहीं है। कई बार तो स्केच जो है 7-7, 8-8 घंटे, कई बार तो इससे भी ज़्यादा घंटे ले लेता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल देना चाहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरी जो एक आई है वो कम्प्लीट हो गई है, तो अभी हम दूसरी को भी सेम इसी से करेंगे।
तो जी आप लोगों ने देखा कि जो हमारी आईज़ है वो बन के रेडी हो गई है। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी सी इसकी डिटेल देंगे, जहाँ यहाँ पे लाइट है वो लाइट देंगे और उसको बाद में थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, क्योंकि लाइट थोड़ी सी मर्ज हो जाएगी इसमें। तो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि आर्ट कैसे किया जाता है, स्केच कैसे किया जाता है। थैंक यू, लव यू ऑल।